मोना जैसे लंबे बाल चाहिए। अभी तो बेटा 5 महीने का है, अभी से सफेदी झलक रही है। तो अभी यहाँ पे चल रही है मेरी मसाज। हमारा काम करना पड़ रहा है मुझे, कोई बात नहीं। हो गई तेरे बालों के साथ तो बहुत तिलवाड़ किया। नौटंकी नौटंकी, लड़की से ज्यादा टाइम लगा रहे हो आप, शर्म है आपको? तो हमारे सबसे संजय दत्त। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो नील बना यहाँ पे उठ चुके हैं। आज मुझे पहनना है ये वाला ड्रेस, इसका शूट करना है। तो किसी को चाहिए हो तो बता दीजिएगा, हमारी शॉप पे अवेलेबल है ये। अभी एडवांस बुकिंग चलेगी इसकी। अभी मेरा जो शूट था इस ड्रेस में वो कंप्लीट हो चुका है और हम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हैं। आज पापा मम्मी दोनों जा रहे हैं सलून। हाँ, A+ सलून, जो कि हमने उसकी काफी वीडियो डाल चुके हैं, हम 2-3 लोग बना चुके हैं। तो उनको वापस कॉल आया था कि आप आइए विजिट कीजिए। अभी मैं जा रही हूँ सलून, तो नील को करते हैं टाटा बाबाय, है ना? दादीशा के पास रहना। हाँ जल्दी आएंगे, आ रहे हैं बस। ठीक, पता नहीं चलता गाड़ी अपने आप है वो। ये हमारे अंकल हैं कॉलोनी के, ये ओला उबर में ही गाड़ी चलाते हैं और हमें मिल गए आज, और इन्होंने पहचान भी लिया हमें। हमें तो नहीं, हमारे अंकल को पहचान लिया, गिरवर सिंह शेखावत जी को, क्योंकि ये बोलते हैं हम वहीं पे रहते हैं तो उनको पता है कि कॉर्पोरेटर है ये वो। मैडम पीछे बैठी हुई है, जेंट्स का तो सुनो बंद कर दिया उन्होंने वहाँ पे, तो मेरा कोई फायदा नहीं है। देखो मिल जाए तो मेरे भी नसीब चमक जाए, तो मैं भी थोड़े शेविंग वगैरह और ये हेयर कटिंग वगैरह करवा लूँ। तो मिलते हैं A+ सलून पे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी सी दूर है यहाँ से, 120 मीटर 1 मिनट। A+ सलून। अब जाओ तो खड़े क्यों? हाँ अभी जा रहे हैं, लो लो लो। हाँ जाओ फटाफट। थैंक यू भाई। ओके, जय माता जी की। ये हमें रेडी करेंगे यहाँ पे फिर से। काफी दिनों बाद। बस बढ़िया था, कैसे? बस बहुत टाइम बाद। अरे बहुत टाइम बाद, सही में। तो जाना भी चाहिए जगह आपको लग रही होगी यहाँ पे। कैसे हो? चेंजेस के बाद तो आप आ गए थे। अच्छा हाँ, चेंजेस के बाद आप आए। हाँ, मेरे लाइन में चल रहा है, आप आए हो। हाँ क्या चल रहा है आपका बिजनेस? आपकी ड्यूटी हार्ड लग रही है। स्किन आपका डिहाइड्रेट हो गया है, ठीक है? हाइड्रेशन नहीं है, शाइन नहीं कर रहा है स्किन। ओके, एंड थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ये जो है एरिया हल्का टैनिंग है, पिगमेंटेशन नहीं है, हल्का टैन है। उसके लिए हम करेंगे आपका ट्रीटमेंट स्किन का। क्यों 8 महीने बाद में मैं सैलून आई हूँ? क्योंकि जब नील पेट में था तो 5 मंथ का था, तब मैंने लास्ट करवाया था, मेरा रूप कमल वाला सॉन्ग की शूटिंग थी तब, उसके बाद में मैं अब आई हूँ। मेरा भी ऐसा ही था कि मेरे पेट में तो नहीं था नील, नील के पेट के अंदर था, तो मैं भी 8-9 महीने बाद ही आया हूँ। तो मेरा ट्रीटमेंट करेंगे ये दोनों, या फिर ये दोनों करेंगे ना? यस यस यस, है ना? यस यस, वही लोग करेंगे। भाई आना तो बोल दो, करोगे नहीं करोगे? यस यस। हां बताना चाहती हूँ, जो भी लेडीज हैं जो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन उनका जो टाइमिंग होता है, वो लोग अपने हेयर में और स्किन में ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो उनको मैं बहुत जो है पर्सनली एक सजेशन देना चाहूंगी कि उनको अपनी प्रेगनेंसी टाइमिंग में ये सब सर्विसेज नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी के हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, बॉडी के अंदर बहुत कुछ बदलाव होते हैं। अगर आप कुछ भी करते हैं, अगर कोई रिएक्शन या कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो हमेशा के लिए आपकी स्किन और आपके हेल्थ में रह जाता है। कोशिश करिए कि आप ये सर्विसेज ना करें। और आफ्टर प्रेगनेंसी अगर आप अपने हेयर में कोई ट्रीटमेंट करना चाहती हैं, तो जब तक आपका बेबी फीड कर रहा है तब तक आप कोई भी ट्रीटमेंट अपने हेयर में ना करवाएं। बीमारी और बीमारी का इलाज ही करते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं पूरी बीमारी लंबी हो चुकी है, बहुत लंबी हो चुकी है, इसको छोटा करेंगे। ये क्या है? अभी तो बेटा 5 महीने है, अभी से सफेदी झलक रही है। पर मैंने क्या मेरे बालों के साथ बहुत तिलवाड़ किया है, ड्राई ड्राई लगाना, कॉम से बार बार गर्म गर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप कितना भी ड्राई करो, कितना भी सीरम लगाओ, कोई इशू नहीं। तो इससे हुआ कैसे फिर? ये बेटा होने की खुशी। ये जेनेटिक होता है कभी कभी। तो गाइस अभी दो रहा है मेरा हेयर वॉश, और भाई ने बताया कि सर मैं आप कैसे कटिंग करूंगा, ये करूंगा, शेविंग आप कैसे मैं सेट करूंगा। पहले हेयर स्पा के लिए, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा ड्राई हो चुके हैं बाल, तो हेयर स्पा के लिए जो क्रीम लगाना है उसको कम से कम 1 से 2 घंटा रखेंगे, तो इसलिए सबसे पहले मेरे हेयर स्पा की जो क्रीम है वो लगा जाएगी, उसके बाद में हम आगे प्रोसेस करते हैं। बेसल
कट था मैंने कैंसिल कर दिया और मैंने इनको कहा कि जो ओढ़नी में जो कट था मुझे वही कट चाहिए, वही बियर्ड चाहिए वापस, क्योंकि वो लुक बहुत ही अच्छा था। इसके हेयर कटने में जितनी प्रॉब्लम नहीं होती ना उतनी जेंट्स में होती है, क्योंकि थोड़े से बालों में बाल तो होते हैं इतने से और डिमांड होती है इतनी बड़ी। बताना जरूरी है ना यार, आपको तो क्या आपके लंबे बाल है, कैसे मुड़ा लगे छोटी बांध लोगे क्या करेंगे। तो अभी इनका हेयर कट हो रहा है, मेरा हेयर वॉश हो गया है। तो अभी क्या अप्लाई कर रहे हो आप? अभी हम आपके बालों में कर रहे हैं स्पा। हम लोग चाहते थे कि आपके बालों में कुछ अच्छी ट्रीटमेंट करना, लेकिन अभी राइट नाउ हम नहीं कर सकते। तो अभी यहाँ पे चल रही है मेरी मसाज, इन्होंने जो इनका पैक था वो लगा दिया है। तो गाइस हेयर कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं ओढ़नी वाला लुक वापस देना चालू किया उन्होंने। अभी है शेविंग की बारी, तो शेविंग होने के बाद में फिर मिलते हैं आपको, बताते हैं फाइनल लुक क्या आता है। तो अभी मैं जा रही हूँ अंदर अपना वैक्सिंग के लिए, और तब तक आप इनका ब्लॉग का मजा लीजिए। श्री गंगानगर से नाम क्या आपका? अनिल। तो अनिल जी अहमदाबाद के अंदर जॉब करते हैं यहाँ पे ए प्लस सलून के अंदर ही, और गंगानगर से हैं। और गंगानगर हनुमानगढ़ के पास में था जब इवेंट था, मैं और मोना जब वहाँ पे आए थे तो भाई ने बहुत अच्छे बाल सेट किए हैं मेरे, और शेविंग बहुत अच्छी सेट की है, बहुत ही अच्छा फेशियल किया है। तो कौन सा वाला किया है दिया आपने? हमने आपको किया है हाइड्रेशन एंड डीपर पिगमेंटेशन के लिए, तो इससे आपकी स्किन का जो हाइड्रेशन लेवल था जो डाउन हो गया था वो वापस से बैलेंस हो गया है, तो अब मैं फिर से सुंदर हो जाऊंगी। मेरे कटिंग शेविंग और उसके बाद में डिटेन किया है फेस के ऊपर, वैक्सिंग लगा के आई थी, शैम्पू लगा के आई थी, क्यूट क्यूट हो गई हूं वापस से। धन्यवाद आपका क्यूट क्यूट करने के लिए। ये देखिए गियर मारा जा रहा है नीचे से ऊपर तक गियर मारा जा रहा है। ये देखिए फिर से स्टार्ट कर दिया ना गियर मारना, देखना ऊपर होके नीचे निकल जाएगी। तो अब ये करेंगे कटिंग इनकी बालों की, हमारा काम तो हो चुका है, दोनों भाइयों ने कर दिया, दोनों फ्री हो चुके हैं अभी। मंजुलिका, तो जो भी सब्सक्राइबर मेरे बालों से प्यार करता है उन सबके लिए बता दूं नीचे से ऑनली ट्रिम करवा रही हूं मैं, पूरे बाल नहीं कटवा रही हूं। तो बहुत ज्यादा ही बाल काट दिए, मोना बिल्कुल हल्की हो चुकी है बाल कटवा के, इतने सारे बाल काटे हैं ना कि ये दिखाई नहीं दे रहे बाल मेरे को। तो मेरा तो यहाँ पे डन हो चुका है और इनकी प्रिपरेशन अभी तक चल रही है, मतलब कि लड़की से ज्यादा टाइम लगा रहे हो आप, शर्म है आपको? काफी अच्छा लुक आया है मेरा, थैंक यू सो मच दी, और बहुत ही प्यारा लुक आया है मेरा। तो जिस किसी को भी इस टाइप की या फिर कुछ कटिंग करवानी हो अलग, तो यहाँ पे आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं ए प्लस सैलून जो कि है मोटेरा में अहमदाबाद। तो आके विजिट ज़रूर करिएगा, बहुत ही अच्छी सर्विस है और हमें भी बहुत अच्छी सर्विस मिली है, काफ़ी फील बड़ा क्यूट क्यूट सा हो गया। मोना जैसे लंबे बाल चाहिए तो वो मेरे पास आके हेयर एक्सटेंशन भी करवा सकता है, तो मेरे जितने लंबे बाल आपके हो जाएंगे है ना, इतने अच्छे बाल, इतने लंबे बाल, इतना सारा वॉल्यूम हम आपके बालों को दे सकते हैं बिल्कुल। तो आपको बता दूं कि मेरी कटिंग तो हो चुकी है और शेविंग भी हो चुकी है, और मोना भी ऑलमोस्ट रेडी है सब कुछ, बस थोड़ा बहुत काम काज बाकी है तो चालू है। तो ये पूरा होने के बाद में हम निकलेंगे यहाँ से घर, क्योंकि नील भी घर पर अकेला है। तो आप भी विजिट कीजिए ए प्लस सलून, यहाँ पर जेंट्स और लेडीज़ दोनों आ सकते हैं और बहुत ही अच्छी सर्विस है, तो आप भी आगे विजिट कीजिए ए प्लस सलून पर। सो फाइनली यहाँ की जितनी भी सर्विस थी वो मैंने सब ले ली है, तो जिस किसी को भी यहाँ की सर्विस लेनी है तो ए प्लस सैलून की आईडी मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, यहाँ का एड्रेस डाल दूंगी और कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल सकती हूँ, तो अगर आपको होम रेमेडीज भी चाहिए तो आप इनसे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। और पिछली बार हमने मस्से का इलाज करवाया था जी, मम्मा का मस्से का इलाज करवाया था, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ तो ये भी है, इनके भी बहुत अच्छे अच्छे हेयर कट कर दिए हैं। मैं मेरा बोलूंगा ना संजय दत्त सर, तो हमारे संजय दत्त श्री गंगानगर से बहुत अच्छी कटिंग की है भाई, और बहुत अच्छा है उन्होंने देखो शेविंग वगैरह सब कुछ, यानी कैसा भूत बन के आया था, हीरो बन के जा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, आपका इसका बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ए प्लस सलून पर विजिट कीजिए सभी, और डिस्काउंट के भी मजे लीजिए, रक्षाबंधन आ रहा है तो फटाफट आइए और अपने हेयर वगैरह कटिंग वगैरह शेविंग वगैरह सब करा लीजिए, आप कुछ बोलना है? बस थैंक यू, चलो 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 बाय बाय। तो फाइनली हम घर के लिए निकल रहे हैं, अंकल आ गए हमको लेने के लिए,
ये हमारे घर के पास में ही रहते हैं अंकल। अच्छा, तो लेने के लिए आ चुके हैं। लेने के लिए आई जाएंगे वो दूसरे अंकल थे, मैं सबको अंकल उड़ा देता हूँ। अच्छा, तो अभी नील मेरे से तो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा और इनसे तो नजरे भी नहीं मिला रहा है। ओ नील, मतलब हम दोनों कब से बोल रहे हैं नील नील, पर नहीं, नील ने ऐसे मुंह उतरा के ऐसे करके रो रहा है। बोला अच्छा ये शिकायत कर रहा है पब्लिक को, ये अपने जो सब्सक्राइबर है उनको बता रहा है कि ये ऐसे ऐसे छोड़ के गए थे मेरे को। तो अभी नील सो गया है और मैं बना रही हूँ सब्जी। शालू ऐसा ने बोला था कि टमाटर की झोल वाली सब्जी खानी है हमको, तो टमाटर मैंने कट कर लिए हैं और आटा छान के रख दिया, तो मम्मी आटा गूंद लेंगे। तो फिर आज बनेगी टमाटर की सब्जी और रोटी, तो यही है आज खाने में, तो बनाते हैं। नौटंकी नौटंकी, ये है बाल कटाने की सजा। तो बाल जो कटा के कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारा काम करना पड़ रहा है, मुझे हेल्प करानी पड़ेगी भाई। तो आज मम्मी ने इतने सारे कपड़े धोए क्योंकि कल गुरुवार है इसलिए। तो गाइस इसी के साथ में हम ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि खाना बन चुका है, लेकिन मेरे चिप्स पे हाथ मारा जा रहा है क्योंकि इनको पता है कि मेरा उपवास है। तो उसके बाद भी तो नील बेटा आज तेरे मम्मी पापा दोनों चमक के आए ए प्लस सलून एकेडमी के अंदर, और थैंक यू वेरी मच जो आपने संयम रखा, 5-6 घंटे तक रोए नहीं, लेकिन हमने आपने हमसे बातें तो नहीं की, कोई बात नहीं, 2-3 घंटे तक हाँ उपवासी लेनी है। बाय कर दो, सबको बाय कर दो, बाय बाय।